हाँ तो मेरे गोलू मोलू से बच्चों, क्लास 8 साइंस का जो एमसीक्यू का सीरीज हम कर रहे हैं उसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 करेंगे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। एडोलेसेंसी इज द पीरियड ऑफ, एडोलेसेंसी जो होता है कब से लेकर कब तक होता है, कब किस ईयर से शुरू होता है और किस साल तक, कितने साल तक रहता है। ऑप्शन ए है 5 to 10 ईयर्स, बी है 11 to 19 ईयर्स, और सी है 22 to 28 ईयर्स, और डी है 30 to 40 ईयर्स। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 11 to 19 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 8 साल तक जो है एडोलेसेंसीज का एज रहता है, यानी 11 साल का जब आप हो जाइएगा तो 12वां साल से आपका एडोलेसेंसी एज शुरू हो गया और 19 साल तक रहता है। ठीक है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच व्हेन अ स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूजेस विद द ओवम द चाइल्ड बोर्न विल बी। मान लीजिए कि कोई भी एक्स वाई जेड जो है क्रोमोसोम है मेल के स्पर्म के पास, तो वो जब ओवम या एग के साथ अटैच करेगा यानी फ्यूसस के बाद फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस करेगा, तो जो चाइल्ड बॉर्न होगा वो कैसा होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेल, बी है फीमेल, सी है मेल एज वेल एज फीमेल ट्विन, और डी है इट डिपेंड्स ऑन द चांस ऑफ फ्यूजन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, फीमेल। ठीक है, तो फीमेल पर टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्ली ऑफ देयर सेल्स। तो ऑप्शन ए है 22 पेयर्स, बी है 23 पेयर्स, सी है 24 पेयर्स, और डी है 25 पेयर्स। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 23 पेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चिल्ड्रेन गेन हाइट ड्यूरिंग, चिल्ड्रेन को जो हाइट कब मिलता है। तो ऑप्शन ए एडोलेसेंसी, बी है इंडोक्राइन, और सी है बैलेंस्ड फूड, और डी है मेनार्च। तो ऑप्शन ए है एडोलेसेंसी, एडोलेसेंसी के एज में ही उसको हाइट मिलती है, यानी 12 साल से 19 साल के बीच में, उसके बाद वो नहीं बढ़ सकता, जितना बढ़ गया उतना बढ़ गया, जितना नटुरा है उतना नटुरा रहेगा, जितना लंबा है जिराफ की तरह उतना लंबा हो जाएगा। यानी 12 साल से लेकर 19 साल के बीच में आप जितना बढ़ना है बढ़ लीजिए, जितना कम प्लान पीना है पी लीजिए, उसके बाद से को कम प्लान नहीं पीना है। गांव देहात में तो दही चिवड़ा पर बढ़ जाता है सब, शहर में खाली कम प्लान तो है, कम प्लान तो हो कम प्लान। तो ऑप्शन है एडोलेसेंसी पर टिक कीजिएगा। 5 है हमारा, टेस्टिस सीक्रेट, टेस्टिस क्या बनाता है। तो ऑप्शन ए है थायरोक्सिन, बी है एस्ट्रोजन, सी है टेस्टोस्टेरोन, और डी है आयोडाइन। तो जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद स्पर्म बनता है। ठीक है, सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन 7 सेकेंड तक किसी को लगातार देख लिए तो हो गया, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अडाम्स एप्पल इज, अडाम्स एप्पल क्या है। तो ऑप्शन ए है इंग्लियर लैरिंक्स, बी है मेमोरी ग्लैंड्स, और सी है एप्पल ऑफ अडाम, और डी है रेड एप्पल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही, इनलार्ज्ड लैरिंक्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए पर आप टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द केमिकल सबस्टांसेस विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी वो केमिकल सबस्टांस हमें बताने हैं जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड से फॉर्म होते हैं। तो ऑप्शन ए है पबर्टरी, बी है हॉर्मोन्स, और सी है एस्ट्रोजन, और डी है एडोलेसेंसी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी पर आप टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आउट ऑफ दिस विच वन डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी, इनमें से कौन सा जो है वो डिटरमाइन करता है जो कि बेबी का सेक्स होता है। ऑप्शन ए है हॉर्मोन्स, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है क्रोमोसोम्स, और डी है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑप्शन सी सही हमारा हो जाएगा, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स ही डिटरमाइन करता है बेबी के सेक्स को। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड,
यानी मेस्ट्रुएशन को जो स्टॉपेज होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मेनार्च, बी है मेनोपॉज, सी है गैमेट्स और डी है इंसुलिन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय अडार्नल ग्लैंड्स? अडार्नल ग्लैंड्स के थ्रू जो है कौन सा हार्मोन से बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है अडर्नालाइन, बी है इंसुलिन, डी है टेस्टोस्ट्रॉन और डी है एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, एड्रेनालाइन। ठीक है, तो नामे से पता चल रहा है, तो ऑप्शन ए पर आप टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इन रिप्रोडक्शन एज इन वोमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर, यानी वुमेन में जो होता है रिप्रोडक्शन एज कब से स्टार्ट होता है? तो ऑप्शन ए है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, बी है ब्रेस्ट स्टार्ट्स डेवलपिंग, सी है बॉडी वेट इंक्रीजेस और डी है हाइट इंक्रीजेस। तो ऑप्शन ए है हमारा मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन जो स्टार्ट्स होने लगता है यानी गीला होने लगता है, तो वो समझ लीजिए कि रिप्रोडक्शन के एज में पहुंच चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज मेल गोनाड्स? तो ऑप्शन ए हेयर, बी है चेस्ट और सी है मोस्टाच और डी है टेस्टिस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है वो मेल गोनाड्स होता है, यही सारा काम करता है ससुरा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट पबर्ट्री इज कॉल्ड? पबर्ट्री में जो है मेंस्ट्रुएशन का बिगिनिंग होता है उसे क्या कहते हैं? तो ओवोलेशन, बी है मेंस्ट्रुएशन, सी है मेनार्च और डी है मेनोपॉज। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, मेनार्च। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, इन मेल्स द सेक्स क्रोमोजोन कंसिस्ट्स, यानी मेल में जो है वो कौन सा क्रोमोजोन प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन हमें ए में है 1X एंड 1Y, बी है बोथ एक्स एंड एक्स, सी है बोथ वाई एंड वाई और डी है 1M एंड 1X। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1X एंड 1Y। ठीक है, जो मेल में जो सेक्स का उत्साह होता है वो एक्स एंड वाई होता है, लेकिन फीमेल में दोनों एक्स एक्स होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। 15वां सवाल है, प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर्स, थायरोक्सिन का अगर प्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन ए है सोडियम, बी है मैग्नीशियम, सी है आयोडीन, बी है डी है ब्रोमाइन। तो ऑप्शन सी आयोडीन, आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है जब हम थायरोक्सिन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, आयोडीन, ऑप्शन सी टिक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड, यानी बोला जाता है कि जब आप चेंजेस पर जाते हैं अपने रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है, रिप्रोडक्टिव के लिए आप तैयार हो जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है चाइल्डहुड, बी है एडोलेसेंसी, सी है ग्रोन अप और डी है ओल्ड एजेस। तो हेडिंग ही आपका एडोलेसेंसी है, तो उसी से थोड़ा समझ लीजिए कम से कम। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एडोलेसेंसी। चैप्टर का हेडिंग यही बोल रहा है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंसी, मतलब आप बड़े हो गए हैं एडोलेसेंसी के एज पर गए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोस सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंसीस, दिस चेंजेस मार्क द वन सेट ऑफ, यानी ह्यूमन बॉडी जब एडोलेसेंसी के एज से पार होने लगती है, मतलब 11 साल से 12 साल से ऊपर जाने लगता है आदमी, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसके लाइफ में, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस को एक साथ एक नाम दे दिया गया है, उसको बताना हमें। ऑप्शन ए है पबेट्री, बी है परमैच्योरिटी और सी है पोस्ट एडोलेसेंसीज और डी है एजिंग। तो ऑप्शन ए पबेट्री, कैसा ये होगा? पबर्ट्री, उन चेंजेस का नाम क्या होगा? पबर्ट्री होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यानी 18वां सवाल है, एडम्स एप्पल इज प्रोमिनेंट इन, तो ऑप्शन ए है बॉयज ऑफ एनी एज, बी है एडोलेसेंसिएट गर्ल्स, सी है गर्ल्स ऑफ एनी एज और डी एडोलेसेंसिएट बॉयज। ठीक है, तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा, एडोलेसेंसिएट
बॉयज, ठीक है, तो इसका आंसर आप डी रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए वॉइस बॉक्स, बी है साउंड बॉक्स, सी है ब्लैक बॉक्स और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, वॉइस बॉक्स। लेरिंक्स को क्या कहा जाता है एक और नाम से, सॉरी लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्नी एंड पिंपल्स ऑन द फेस इज ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ, यानी एक्नी और पिंपल्स जो फेस पर आते हैं वो किस चीज़ के बनने की वजह से आते हैं। तो ऑप्शन है हमारे बाइल फ्रॉम लीवर, यानी बाइल जूस पढ़ा था ना अपने 7th क्लास में वही वाला, और बी है ऑयल ग्लैंड्स ड्यूरिंग पबर्टरी, सी है एंजाइम्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डी है टीयर फ्रॉम टीयर ग्लैंड्स। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, ऑयल ग्लैंड्स ड्यूरिंग पबर्टरी, यानी जब आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं 12 से 18 साल के बीच में जो चेंजेस आते हैं आपके बॉडी में, तो उस वक्त जो है कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं ऑयल्स के कारण जो है आपके चेहरे पर एक्नी और पिंपल्स फेस पर आते हैं। तो ऑप्शन बी आप सही कर लेंगे। 21वां सवाल है, टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन फाउंड इन ह्यूमन, टेस्टोस्टेरोन जो है एक हार्मोन है जो कि ह्यूमन में कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है चिल्ड्रेन, बी है मेल्स एंड फीमेल्स, सी है फीमेल्स ओनली और डी है मेल्स ओनली। तो ऑप्शन डी है मेल्स ओनली। टेस्टोस्टेरोन जो होता है जो कि दो अंडवा की तरह होता है वो वाला, दो गोली की तरह, वो ह्यूमंस में होता है, अब ह्यूमंस में भी सिर्फ मेल्स में होता है। तो बी डी आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है मेंस्ट्रुएशन, बी है मेंसुरेशन और सी है मेनार्च और डी है मेनाफ्यूस, मेनोपॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मेनार्च, जो फर्स्ट मर्तबा आपको जब मेंस्ट्रुअल होता है मतलब नाइटफॉल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं। ऑप्शन सी सही होगा आपका। फिर मेनोपॉज, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, मेनोपॉज ओकर्स एट द एज ऑफ, मेनोपॉज कब ओकर होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास 10 टू 12 ईयर्स इन बॉयज, 40 टू 50 ईयर्स इन मैन, सी 10 टू 12 ईयर्स इन गर्ल्स, डी 40 टू 50 ईयर्स इन वुमन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 40 टू 50 ईयर्स इन वुमन्स, ठीक है, यही मेनोपॉज ओकर्स करता है। तो 45 टू 50 ईयर्स के एज में वुमेंस के अंदर ये ओकर होता है। 24वां सवाल है हमारा, व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोजोन फर्टिलाइज एन एग विथ एक्स क्रोमोजोन द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ, ठीक है, यानी अगर कोई स्पर्म अगर वाई क्रोमोजोन उसके अंदर होता है और किसी एग्स के अंदर एक्स क्रोमोजोन होगा तो जाइगोट क्या डेवलप करेगा। तो ऑप्शन ए है, यहाँ पर ऑप्शन है फीमेल, बी है इधर अ मेल और फीमेल, सी है मेल, डी है नो चाइल्ड। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेल, मेल चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। 25वां सवाल है हमारा, द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड, लार्वा से एडल्ट तक जो चेंजेस होता है उसको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है मेटाबॉलिज्म और बी है मेटामॉर्फोसिस, सी है मेटास्टेसिस और डी है मॉर्फोलॉजी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस, उसको क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस, यानी वो चेंजेस जब इंसान लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, चिल्ड्रेन गेन हाइट ड्यूरिंग तो एडोलेसेंसी की एज में ही हाइट गेन करता है चिल्ड्रेन। दूसरा सवाल है, द वन सेट ऑफ डैश 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 ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, तो पुबर्टी और मैच्योरिटी, यानी पुबर्टी और मैच्योरिटी जो ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं, हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो एक में भरेंगे आप पुबर्टी और दूसरा में मैच्योरिटी।
क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, हॉर्मोन्स आर सिक्रेशंस ऑफ डैश 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 ग्लैंड्स. हॉर्मोन्स जो है वो किस चीज़ का सिक्रेशन करते हैं, तो ऑप्शन ए है एंडोक्राइन. ठीक है. चौथा है हमारा, पैनक्रियाज स्क्रेट डैश डैश डैश, थायराइड प्रोड्यूसेस डैश 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 एंड एड्रेनल्स प्रोड्यूस डैश डैश डैश. तो इसमें भरेंगे आप इंसुलिन ये वाला, फिर इसमें भरेंगे आप थायरोक्सिन, इसमें फिर इसमें भरेंगे आप एड्रेनलाइन. ठीक है. तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे. बेसिकली बोला है कि पेनक्रियाज किस तरीके से जो है कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करता है वो बताना था हमें. फाइव है हमारा, टेस्ट्रॉन इज द डैश 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 हॉर्मोन. टेस्ट्रॉन जो है वो कौन सा हॉर्मोन होता है, तो मेल हॉर्मोन होता है. ठीक है. तो इसमें आप एल भरेंगे. फिर डैश 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 ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड डिपेंड्स ऑन वेदर द जाइगोट हैज एक्स एक्स और वाई एक्स क्रोमोजोन्स. तो आंसर होगा इसका सेक्स. तो यहाँ पे ये आप फिल करेंगे आप. सातवां सवाल है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट डैश 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 एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलेसेंसी, यानी बैलेंस्ड फूड. ठीक है. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एडोलेसेंसी के एज में हों तो बैलेंस्ड फूड खाएं, ज़्यादा गर्म ना खाएं, ये सब चीज़ें खट्टा वगैरह ये सब चीज़ें. ठीक है. तो बैलेंस्ड फूड का हमें मेंटेनेंस करना होगा. तो बस आज के लिए इतना ही था. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.